Hello, my dear tiny tots. Welcome to all of you in today's maths class. My dear students, in yesterday's maths class, what we have done? क्या किया था हमने प्री नंबर कॉन्सेप्ट में लॉन्ग एंड शॉर्ट. यस, यू ऑल आर राइट. हमने कल लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉन्सेप्ट किया था ना. एंड टूडे वी विल डू प्री नंबर कॉन्सेप्ट नियर एंड फार इन योर मैथ मैजिक बुक ऑन पेज नंबर 12 पे नियर एंड फार कॉन्सेप्ट करेंगे आज हम. बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नियर एंड फार. क्या होता है नियर एंड फार? नियर क्या होता है? पास, नजदीक. और फार क्या होता है? दूर. अभी देखिए बोर्ड मेरी क्या है मैम की, नियर है ना, पास में है ना. बट अदर थिंग्स कुछ हम देखेंगे जो हमसे डिस्टेंस में क्या है, दूर है. तो वो जो हमसे दूर है उनको क्या बोलते हैं? फार. और जो चीजें हमारी पास है वो क्या है? नियर. मैम ने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी हैं जिनसे कि आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. देखिए पॉन्ड बना हुआ है और उसमें डक्स, डक्स की पिक्चर है ना. आप देखिए जो पॉन्ड के नियर है वो कौन सी डक है. यस, ये जो टू डक्स है ये पॉन्ड के क्या है? नियर. नियर के लिए हम क्या लिखेंगे? एन. वो जो डक दूर है वो कौन सी है? फार है. वो कौन सी है? दूर है ना. देखिए पॉन्ड से उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एफ. ये पॉन्ड से क्या है? फार है, दूर है. और ये जो टू डक्स है वो पॉन्ड के क्या है? बिल्कुल पास है ना. देखिए कितने नजदीक है और वो दूर है. बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. कुछ ज्यादा समझने वाला कुछ भी नहीं है. बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा. मूव ऑन नेक्स्ट पिक्चर. देखिए फ्लावर पॉट की पिक्चर है ना. उसमें देखिए जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर्स की क्या है बताइए? नियर. यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट. सभी बहुत स्मार्ट है, अच्छे से समझ जाते हैं. इंटेलिजेंट है ना सभी बेबीज. तो ये बटरफ्लाई क्या है? फ्लावर के नियर है. और जो हनी बी है वो क्या है? फ्लावर से फार. फार, यस, दूर है ना. फ्लावर से दूर कौन है? हनी बी. और जो बटरफ्लाई है वो फार के क्या है? नियर. नियर. सो वी विल राइट एन फॉर नियर एंड एफ फॉर फार. आ रहा है ना समझ सबको? इजी है ना? यस मैम. यस, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आपने बड़ी इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. अब देखिए लुक एट द लास्ट पिक्चर. देखिए एक होम की पिक्चर है ना, एक घर बना हुआ है सुंदर सा. और उन्हीं के साथ देखिए ट्रीज ड्रॉ किया है मैम ने. तो मुझे ये बताइए कि कौन सा ट्री नियर है हाउस के और कौन सा फार है? दिस वन और दिस वन, कौन सा नियर है? फर्स्ट नियर. ये वाला जो है, जो घर के बिल्कुल पास बना हुआ है वो क्या है? नियर. हाउस के बिल्कुल नियर है ना, नजदीक बना हुआ है ना. और जो ट्री देखिए घर से दूर है वो क्या है? फार. फार, घर से फार है. आ गया सबको समझ में? नाउ वी विल डू द सेम कॉन्सेप्ट इन योर बुक ऑन पेज नंबर 12. नाउ टेक आउट योर बुक्स, लेट्स स्टार्ट. My dear students, now we will do page number 12 in your math magic C book, near and far. What we will do on this page? Paste the sticker of the apples on the tree near the house. हमें यहाँ पे क्या करना है? स्टीकर पेस्ट करने हैं एप्पल्स के on the tree near the house. देखिए यहाँ पे एक हाउस की पिक्चर है और ट्रीज की पिक्चर है. देखिए ट्रीज की पिक्चर है ना, लेकिन हमें एप्पल्स के स्टिकर उस ट्री पर पेस्ट करनी है जो कि इस हाउस के क्या है? नियर है. नियर मतलब नजदीक है, घर के पास है. देखिए कौन सा ट्री पास है? दिस वन ना. देखिए बिग ट्री जो है वो घर के पास है और बाकी ट्रीज क्या है? घर से दूर है. तो हम स्टिकर पेस्ट करेंगे जो ट्री बिग ट्री है
जो घर के नियर है. सो वी विल टेक द स्टिकर ऑफ एप्पल ऑन द स्टिकर पेज विच इज ऑन द लास्ट पेज. And now we'll paste it on the tree. जो एप्पल के स्टिकर हैं वो हमने एप्पल्स के स्टिकर हैं वो हमने इस ट्री पर पेस्ट करने हैं इसी तरह से. Now move on next. Draw a ball in the hand of the man who is far from the fence of the park. देखिए यहाँ पे टू मैन की पिक्चर है, टू मैन की पिक्चर है ना, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो इस फैंस से दूर है, जो मैन दूर है उसके हैंड के पास एक बॉल ड्रॉ करनी है. हमें उस मैन के हैंड के पास एक बॉल ड्रॉ करनी है जो कि इस फैंस से दूर है. देखिए ये मैन तो बिल्कुल फैंस के पास है ना, नजदीक खड़े है ना, बट दिस मैन इज फार फ्रॉम द फेंस, दूर है ना ये. सो वी विल ड्रॉ अ बॉल, हमें एक बॉल ड्रॉ करनी है. आपने भी इसी तरह से एक बॉल ड्रॉ करनी है. हम एक सर्कल बनाएंगे और बीच में एक कर्व लाइन दे देंगे ऐसे. देखिए ये हमने एक बॉल ड्रॉ कर दी इस मैन के हैंड के पास. आपने भी इस एक्टिविटी को इसी तरह से करना है और इसकी पिक्चर्स जरूर सेंड करनी है. ओके, Till then, bye-bye, take care.